The world is not in your books and maps. It's out there. तो यहाँ पे वैसे ही पहन के आते जो उनके पूर्वज पहले कपड़े पहनते थे, यहाँ ऐसे पहन के कपड़े आते हैं। यह मास्क पहनना ज़रूरी है, शॉर्ट कपड़े आप पहन नहीं सकते हो, फुल पैंट विदाउट स्लीव नहीं चलेगा, ये घर सबको स्टार्टिंग में रोक लेंगे। ग्रैंड पैलेस बहुत बड़ी जगह है, ये यहाँ के राजा के प्लेस है जो आपको दिखाएंगे, जो लोग रहते हैं यहाँ पे। बहुत बड़ी जगह है, साफ सुथरी जगह है, और अभी यहाँ पे मास्क भी कंपलसरी हो गया, कोविड फिर से आ गया इसलिए। और ये टाइमिंग भी आप देख लो, वाट पावर में बहुत सारे मंदिर बनाए हैं भगवान बुद्ध के, तो बहुत शानदार बना है। बहुत सारे छोटे छोटे पगोड़ा भी है, उसमें भी बहुत सारे भगवान बुद्ध के छोटे छोटे मूर्तियाँ हैं, और उनकी डिज़ाइन है तो सब में अलग अलग है, बेस्ट है। पहला रहेंगे इंसान का, बहुत बड़ा है ये पूरे महल में, बुद्धा जी की मतलब मूर्ति है, ये है वाट पावर, इसे लाइनिंग बुद्धा भी कहते हैं। आपको बैग मिलेंगे और इसमें डालने रहेगा आपको शूज़,
और हम जा रहे हैं वाट फोरो द लाइनिंग बुद्धा। बहुत खूबसूरत तरीके से डिजाइन बनाए गए उनके पैरों पे। हैप्पी मैन लाफिंग बुद्धा भी कहते हैं, ये उनके शिक्षक थे। यहाँ सब कॉइंस डालते हैं। आप अगर ग्रैंड पैलेस या फिर वाट पारो वाट अरुण कोई भी आप जगह जाने की कोशिश कर रहे हो तो आप मॉर्निंग में जाइए, नहीं तो ये धूप में आप फोटोग्राफी भी नहीं कर पाओगे और प्लस आपको काले होने का टेंशन जाता है। तो भाई सुबह सुबह निकल लो और ग्रैंड पैलेस पहले चले जाओगे लेट आते हो, क्योंकि यहाँ पर 3:30 बजे के बाद आपको अंदर एंट्री नहीं देंगे। ये ग्रैंड पैलेस ही है। बहुत अच्छा बना, साफ सुथरा।